नमस्ते सभी को। जीके आर्ट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डीआईवाई फैशन सबसे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज हम जो डेमो देने जा रहे हैं वो है सिंगर सोइंग मशीन का। ऑटोमेटिक सोइंग मशीन है ये, और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। ये बहुत ही मतलब ईजी टू यूज़ है करने के लिए, और अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं सिलाई के तो आप इस मशीन को बड़े आसानी से चला सकते हैं। तो आज हम इसका डेमो देंगे। और इसका ये बॉक्स आया है, मैंने इसको कुछ हफ्ते पहले ही ख़रीदा हुआ है, और ये मुझे लगा कि इसका डेमो देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सोइंग मशीन है। और इसकी जो प्राइस आप देख रहे हैं, इस प्राइस का आधे में मैंने लिया था किसी सेल में। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये रही मशीन, सॉरी ये कवर है, मैं कवर हटा देती हूँ। ये कवर इसके साथ ही आता है। ये है आपकी सिंगर प्रॉमिस 1409 मॉडल है, फैशन मेकर बोलते हैं इसको। और ये है पूरी मशीन, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ चारों तरफ से। इसमें ये आता है ये फुट प्रेसेस, एंड ये प्लग लगा के आपको एक ही प्लग लगाना होता है, और यहाँ से फुट प्रेस कर सकते हैं। और ये अपना स्विच ऑन ऑफ का है, ये देखिए एलईडी लाइट है, ऑन ऑफ ऑन ऑन रहते हैं। 9 स्टिचेस आती हैं, आप किसी भी तरह से स्टिच कर सकते हैं। इसमें आप अपने स्टिच लेंथ जो होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये रिवर्स का भी है इसमें, और बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको अच्छे से उठा भी कहीं पे भी ले जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बॉबिन बाइंडर है, ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ये आपको व्हील मिलता है एडजस्ट करने के लिए अपनी इसको, और ये इसमें स्पेस दिया है, मैं आपको इसको बताती हूँ। इसमें ऐसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये है, तो इसके अंदर आपको ये बॉबन का आउटर केस है, ये मिलता है इसको जो नॉर्मली मशीन्स में भी होता है। और इसमें आपको ये एसेसरीज मिलती हैं, इसमें आपको नीडल्स हैं, ब्रश हैं साफ करने के लिए, फुट्स हैं, ज़िपर फुट्स मिल रहा है, और इसमें बटन होल करने के लिए भी है, बॉबिन्स हैं, टूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं, फ्री में आती हैं। तो अब अपन इसको लगा देंगे। ये रही मशीन, अब हम इसका डेमो लेंगे। मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ 9 की 9 स्टिचेस। पहले बॉबिन को फिल करते हैं जो इसमें ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन ये आसान जब होगा जब आप बॉबिन में थोड़ा सा धागा लगा लेंगे और उसको थोड़ा सा, तो उससे जल्दी ही आसान हो जाता है। इसको इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई है धागे को किस तरीके से करना है, और इसको इस तरीके से आपको कर लेना है, और बस फुट प्रेस से आपको प्रेस करके अपनी बॉबिन को फिल कर लेना है इस तरीके से। जितना धागा आपको चाहिए आप इसको फिल कर सकते हैं। और फिर इसमें जो थ्रेड कटर दिया गया है, उस थ्रेड कटर से आप इसको, ये इधर दिया गया है देखिए फ्रंट में, इसको यहाँ से कट कर लिया, तो आपकी ये बॉबिन फिल हो गई। अब इसमें जो धागे का है वो बहुत ही सिंपल है, इसको इस तरीके से यहाँ से डायरेक्शन दिया गया है, 1-2 लिखा हुआ है, और ऑलरेडी ये 1, यहाँ ये 2-3, बहुत ही सिंपल है इसका। और इस तरीके से 5 पर जाते हुए अपन इसको धागे को, अब मैं आपको 9 स्टिचेस करके बताऊंगी, इसको आपको पिरो लेना है।
फिल कर रही थी वो बोवन आउटर केस में लगा के इसको फिट कर दिया है और धागा भी ऊपर निकाल लिया है। आप इसको लगा सकते हैं ऐसे। और चलिए 9 स्टिचेस के लिए आपको कोई भी स्टिच चुनना है। ये अपना सेंटर चलता है, ये साइड है, ये जिगजैग है, ये बहुत सारी दी गई हैं इसमें, 9 है। तो पहले सिंपल से शुरू करके 9 और ये आपका लेंथ बताता है। तो आप जैसी भी लेंथ चाहते हैं, सबसे बड़ी 4 है इसके ऊपर और ये रिवर्स का है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, तो इसका मैं जैसे कोई केस बनाना चाहती हूँ तो कैसे, पहले इसको आप, मैंने रिवर्स कर लिया है और इसका केस बनाने के लिए बहुत ही आसान है इसका। और थोड़ा सा आप अगर चाहते हैं आपकी मशीन बहुत ही अच्छे से चले तो सबसे पहले आपको व्हील से थोड़ा सा करना है, तब फुट प्रेस को प्रेस करना है। और ध्यान रखिए कि आप कोई भी ये चेंज कर रहे हों, ये इसका डिज़ाइन, तो जो नीडल है वो अप साइड ही होना चाहिए, मतलब ऊपर ही होना चाहिए, अगर नीचे होगी तो वो टूट सकती है। तो चलिए अब फुट प्रेस को प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये सिंपल वाली है, सेंटर वाली है अपनी, है ना, ये ज़्यादा धागा आता है वो तो सभी में। और जो स्टिच है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले सिंपल वाली हो गई है और रिवर्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो रिवर्स जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो ये अपने आप ही, जैसे फुट प्रेस को प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स में चलने लगेगी। देखिए, है ना आसान। और अब जैसे स्टिच बताती हूँ मैं आपको, तो इसको घुमाने के लिए जैसे अपनी नीडल ऊपर होना चाहिए और इसको जैसे ये साइड वाली है और ये, चलो जिगजैग बताती हूँ आपको। तो जिगजैग के लिए लेंथ 3 ठीक है, जैसी आपको चाहिए वो उसी हिसाब से सिलाई करेगी। चलो फुट प्रेस को प्रेस करते हैं। ये देखिए जिगजैग पैटर्न आने लगा है। सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए ये 1 पर ही चलेगा क्योंकि इससे बहुत वाइड आने लगता है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ करके भी देखा है और आपको भी और बता देती हूँ। इसका बहुत अच्छा हार्ट बीट का डिज़ाइन आता है, जितना आप स्लो चलाएंगे उतना ही ये बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन आएगा। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। इस तरीके से आप यहाँ तक के डिज़ाइन है और ये एम्ब्रॉयडरी का है, ये बहुत ही अच्छी आती है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये शायद मैंने यूज़ करी नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, 0 पे काम करेगी जो अपनी स्टिच लेंथ है। और चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, नीडल ऊपर होना चाहिए। चलिए इसको फुट प्रेस को प्रेस करें। फुट प्रेस को प्रेस करते ही ये देखो अपना काम करने लगता है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है इसका। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, देखा आया। इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मशीन से। आप अपने अंदर के जो डिज़ाइनर है, जो खुद की ड्रेस सिलना चाहते हैं, बच्चों की ड्रेस सिलना चाहते हैं, घर वालों की सिलना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये बटन होल जिप लगा सकते हैं, इसके साथ जिप फुट आया हुआ है, टूल्स आए हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप, अगर आप होम यूज़ के लिए मशीन लेना चाहते हैं सोइंग मशीन, तो सिंगर प्रॉमिस की लीजिए, 1409 मॉडल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो जैसे मैं चला सकती हूँ तो सभी चला सकते हैं। तो प्लीज़, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।